अहमदनगर स्नूकर चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 पारितोषिक वितरण कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झालाय. अहमदनगर शहरातील राज चेंबर कोठला परिसरातील S1 कॅफे तर्फे अहमदनगर चॅम्पियनशिप 2024 आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदाचं हे दुसरं वर्ष असून यात अहमदनगर शहरातील 40 खेळाडू सहभागी झाले होते. ही स्पर्धा 26 जानेवारी ते 29 जानेवारी पर्यंत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. S1 स्नूकर कॅफे तर्फे घेण्यात आलेल्या अहमदनगर चॅम्पियनशिपचे प्रायोजक इरफान शेख यांच्यातर्फे प्रथम क्रमांक 11,111 रुपये रोख रक्कम तर द्वितीय क्रमांक जिशान शेख यांच्यातर्फे 5,555 रुपये रोख स्वरूपात देण्यात आले असून अंतिम सामना जावेद विरुद्ध करण यांच्यात अटीतटीचा झाला. यात करण याने हा सामना 3-1 असा जिंकला असून अहमदनगर 2024 स्नूकर चॅम्पियन बनलाय. त्याला S1 स्नूकर तर्फे 11,111 रुपये रोख रक्कम आणि चॅम्पियन ट्रॉफी मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आली. तर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक खेळाडू जावेद भाई यांना 5,555 रुपये रोख रक्कम आणि ट्रॉफी देण्यात आली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. तर S1 स्नूकर कॅफेचे संचालक सय्यद सलीम, सय्यद लतीफ, जावेद भाई, अप्पू भाई, ईशान अन्सार भाई, जयद भाई, मोईन शेख, सय्यद सलीम, अदनान भाई, लालू भाई आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी S1 स्नूकरचे संचालक सलीम भाई म्हणाले की S1 कॅफे मध्ये आम्ही चांगल्या दर्जाचे खेळाडू घडवू आणि देश पातळीपर्यंत पोहोचवू. तसेच ज्यांना हा खेळ शिकायचा असेल त्यांना राज चेंबर येथील S1 कॅफे मध्ये उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं. This is S1 Snooker Cafe and I won this tournament and whenever your tournament happens I'm going to play and try my best to win. Cheers to Salim bhai, thank you. Come on man, thank you winner. स्नूकर S1 का जो टूर्नामेंट चैंपियनशिप रिया है ये एक बढ़िया किस्म का रिया है जिसके अंदर 40 प्लेयर लोग खेले और उसके अंदर हिंदू मुस्लिम हर जात धर्म का आदमी लोगों ने खेले. साल का पूरा हर साल लेते हैं टूर्नामेंट. ये साल हमने जनवरी की स्टार्ट में ले लिया टूर्नामेंट S1 की तरफ से. ये टूर्नामेंट का प्राइस जो रखा था 11,111 रुपये 1111 और सेकेंड प्राइज हमने जो दिया है 5,555 रुपये दिया है सेकंड प्राइज. ये लास्ट टाइम भी उतना दिया था, ई टाइम भी उतना दिया था. इसकी स्पॉन्सरशिप थे जिशान भाई और इरफान भाई और उसके अंदर इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता चाहिए. ऐसा कोई वो नहीं करता. ये कॉम्पिटिशन रात के लिमिटेड गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब में चला है, बेहतरीन तरीके से चला है. ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई वो चीज़ें ऐसी उल्टी सुलटी हुई है, ना चीटिंग वगैरह कुछ भी. और S1 का रिकॉर्ड है, गए साल भी वैसे टूर्नामेंट होता था प्योर, ये टाइम भी वैसे प्योर हुआ है. ऐसे उनकी जानिब से सलीम भाई इनका बहुत इनकी एक तड़प रहती कि बच्चों को उभर के खेल के अंदर ले गया. खेल इसका इतना अच्छा खेल है कि लोग उसके अंदर नौजवान गिरे बल्कि गंदे शौक से बच के रहे. और ये स्नूकर टेबल हेड बॉल ये खेल सीखते रहे और इसके अंदर उभरते रहे और जाके पूना बॉम्बे में खेले. वहाँ अच्छा रैंकिंग मिलता है, नेशनल लेवल तक के अपना एक प्लेयर खेलते हैं इसमें भी और ऊपर लेवल के ऊपर जाके खेले और इंडिया लेवल पे जाने के इधर से तैयार होके अपने प्लेयर लोग जाए. और ये तरीका होता है खेल खिलाने का भी और इसके अंदर हर चीज़ के अंदर कंपटीशन के अंदर समझ में आता है. कंपटीशन ऐसे ही खेलने में मज़ा अलग है. कंपटीशन आता है तो कंपटीशन का जो टेंशन होता है जैसा एक हरी मैच इंडिया पाकिस्तान के जैसे क्रिकेट की मैच होती है उसी तरह से ही खेल होता है. अंदर धक धक चलता है कौन सा शॉट किधर मारो और ये सब खेल दिमाग और अपनी टेक्निक से. और इसके अंदर जो बच्चा जीतता है इतना आसानी से नहीं जीतता, इसलिए 5-5, 6-6 साल प्रैक्टिस करे और इतना जब जीतता है. हमारे नौजवानों को हमें दावत बोलते हैं कि आए खेले अभी सीखे. सीखने को इधर सलीम भाई है और बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं और इनसे ये परीक्षण ले सकते हैं. और इसके साथ में S1 के अंदर
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चालू हो जाएगा, स्नूकर कैसे खेले इसका इंस्टीट्यूट भी चालू हो जाएगा। तो जो बच्चों को सीखना है सलीम भाई ये सिखाएंगे, उनको शॉर्ट्स वगैरह कैसे करना है। वैसे चार बच्चे चल रहा है इनका, और बच्चे जमा होंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और इसी साथ 2024 की सबको शुभकामनाएं, देश के अंदर सुकून खुशी और खेल के माध्यम से ही अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि स्नूकर का गेम ये बढ़ता रहे और दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में और नगर में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, कामयाबी की बात है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगला टूर्नामेंट भी लिया जाए जिसके अंदर और बेहतरीन बड़े प्लेयर बुला के हम ये फिनिश कर ले इसको। थैंक यू वेरी मच। प्रतिनिधि अकीज सैयद, न्यूज़ टुडे 24, अहमदनगर।